रहबर ने सारी सृष्टि है साजी अपनी रहमत रहमत दे नाल हर चीज कुछ ये सब कुछ दिसदा है सब कुछ दिसदा है तू नच के नजारे ले लुट लो नजारे करके दीदार जो भी देखे देखे चढ़ गए गुरु नू कुमार पूर्ण मुर्शिद मिल गए ने शामस्तानों जी दाता सुन सतगुर दा हो के रे सुन पीर दा हो के रे सतगुर दा हो के रे सुन पीर दा हो के रे सतगुर दा अवतार मां है नच नच के नजारे ले नजारे ले नजारे ले नजारे ले सतगुर का जन्म दिन है नच नच के नजारे ले नजारे ले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजनवा जी तेरी सत्संग जी सचे दादा रहबर साईं मस्ताना जी महाराज जिनका ये अवतार महीना चल रहा है जिन्होंने यह सच्चा सौदा बनाया सर्वधर्म संगम सभी धर्मों का एक ऐसा मुकाम जो अनामी में भी है और उसी का रूप यहां दे दिया। फर्क इतना है जो साधक अपने मालिक के लायक निगाह बना लेते हैं बेइंतहा प्यार करते हैं मुरीद होते हैं वास्तव में उन्हें यहां अनामी नजर आ जाता है और जो गंदगी भरे हैं काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मनमाया के घोड़े पे सवार हैं उन्हें यहां अनामी नजर नहीं आता। जैसी श्रद्धा जैसी भावना वैसा ही फल इंसान को मिलता है। कोई खुदगर्ज स्वार्थी हो जाता है उसे कहां से अनामी नजर आएगी कहां से मालिका नूरी सुग्रुप प्रत्यक्ष नजर आएगा। और जिनके दिलो दिमाग का शीशा साफ हो जाता है यहां वहां अंदर बाहर एक समान सब कुछ नजर आता है कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक नजर आता है। आदमी को खुदगर्ज स्वार्थी नहीं होना चाहिए हद से ज्यादा स्वार्थी जब इंसान हो जाता है वो कभी किसी के साथ नहीं रह सकता। जब उसके अहंकार पे चोट पहुंचती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिन स्थानों पे जिन इंसानों से उसे खुशी मिलती है बहार मिलती है वही पतझड़ लगने लगते हैं जब आपसी विचार मिलने बंद हो जाते हैं। तो इतना अहंकार को ऊंचा ना करो कि जरा सी कोई चोट मारे तो दड़ा दड़ा अब गिर जाओ। सहना सीखिए आत्मबल होगा तभी सहा जाएगा। आत्मबल के बिना आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती और आप सह नहीं सकते आपकी ईगो का पहाड़ सामने आ जाता है। आत्मबल विल पावर
सुमरण से आती है। और जो सत्संगी होते हैं उनके अंदर विल पावर बहुत हुआ करती है। सिर्फ सत्संगी होने का ठप्पा नहीं, आधा घंटा कम से कम सुबह ऐसे शाम को सुमरण करो, सेवा करो। जो आपका आत्मबल गिर गया है वो बुलंदियों पे आ जाएगा, और जो जरा जरा सी बात आपको कष्ट देती है आपको उसका कोई असर ही नहीं होगा। आत्मविश्वासी बनो, हथियार फेंकना ये मर्दानगी नहीं है, अपने आप को इंसानियत के जज्बे से बुलंद कर लो। और उसके लिए ना पैसा, ना किसी को बताना है कि मैं अपना हौसला बुलंद कर रहा हूं, चुपचाप प्रभु के नाम का सुमरन, सेवा थोड़ी जितनी हो सके करते रहो। आप आत्मबल से बुलंद हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, तो फिर किसी की बात आपको तंग नहीं करेगी, आप बात बात पे बिदकेंगे नहीं, बात बात पे गुस्सा नहीं आएगा। आपका अहंकार जब बड़ा होगा ही नहीं तो चोट कहां लगेगी। जिंदगी में जो लोग सह जाते हैं बहुत हासिल कर जाते हैं, और जिनको सहना नहीं आता वो खाली रह जाते हैं। एक पत्थर होता है उसको तराशा जाता है, जितना बढ़िया ढंग से तराशते हैं, जितनी मशीन उसे रगड़ती है, जितने उसके कोण बनाए जाते हैं, जगह जगह से वो कट जाता है, उतना ही उसका मोल बढ़ जाता है, वो हीरा बन जाता है। और जो सिर्फ पत्थर कौड़ी है लोगों की ठोकरों पे रहता है, और वो हीरा बन के ताज पे लग जाता है। तो बात बात पे गुस्सा ना करो, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ बोल देता है, अरे ये तो पत्थर पे छेनी हथौड़ा पड़ने वाली बात है, आप हीरे बन जाएंगे अगर आप सहना सीख जाएंगे, अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी, वही जिंदगी आपको फिर से बाहर बन जाएगी, खुशियां लगने लग जाएंगी। और एक बार सह गए, कहते सोना आग में से निकल के ही चमकदार बनता है, तो भक्त की भी परवाह नहीं करनी चाहिए छोटी मोटी बातों की, क्योंकि इन्हीं परेशानियों से निकल के वो भक्त खुशियां लेता है, उसकी जिंदगी में बहारें आ जाती हैं, और उसका दिलो दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, और खुशियों से लबरेज हो जाया करता है। तो साईं जी ने हमें ये पाठ पढ़ाया, जो लोग सीखते हैं, जो लोग मान लिया करते हैं, उन्हें ही मालिक की रहम करम की खुशियां मिलती हैं, वही उसके हकदार बना करते हैं। तो प्यारे सत्संग जी, शास्त्र गर्ल स्कूल बुधनी लाइव मैसेज, प्यारे पिते हमारे स्कूल के खिलाड़ी ने आप जी की रहम से स्टेट थ्रो बॉल में गोल्ड मेडल हासिल किया है, बिस्कुट प्रसाद, शाबाश बेटा, वेल्डन, बहुत ही बढ़िया प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशी दे, और आगे बढ़ो और टैलेंट दिखाओ। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल सरसा, इलम चंदन सा योगा कोच ने नेशनल योगा में गोल्ड मेडल जीता है, कॉलेज के छात्र ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शास्त्रम जी गर्ल स्कूल सरसा, दो योगा खिलाड़ी और गुरुब्रह्मचारी सेवादार बहन नीलम इंसाने ओपन नेशनल खेलने जाना, शाबाश बेटा, वेल्डन, बहुत बढ़िया प्रसाद ले लेना और आगे बढ़ो, और जो खेलने जा रहे हैं पूरे वचनों पे रहना, सुम करके आगे बढ़ना, मालिक साथ है, सुनारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और ये लिखे पर्चे, पूज्य पिताजी, आज सात संगत ने आश्रम में अपने घर, अपने कमरे और आसपास पूरी सफाई रखेंगे, और इसका पूरा ध्यान भी रखेंगे, इसके लिए वायदा करना चाहती है सारी सत्संगत। तो वाकई आप आसपास गंदगी अपने घर के या आसपास या आश्रम में ना फैलाएं, साफ भी रखें और फैलाएं भी ना, तो आप हाथ सबने लगभग सबके खड़े हैं। सो ठीक है बेटा, मालिक और एक नई खुशी बख्शे, सतगुरु मौला आपके इस वायदे को कबूल करें एक तोहफे के रूप में। सो जोर से नारा लगा दीजिए, आशीर्वाद। जी तो जरूर ये इस बात पे आप पूरा पूरा अमल करेंगे, ना गंदगी रहने दें और ना ही फैलाएं,
कहीं भी आपको गंदगी नजर आती है अगर उसको भी साफ करते जाएं तो और खुशियां ले लेंगे आप। जैसे मान लो आश्रम में आप घूम रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, कागज पड़ा मिल गया, हालांकि ये चीज हम पहले किया करते थे सदगुरु की कृपा से, जब भी आश्रम में आते थे कहीं कुछ भी पड़ा मिल जाता तो उठा के डस्टबिन में या एक जगह कचरे में रख दिया करते थे, इसमें शर्म नहीं। इस सेवा से पता नहीं कितना कुछ मिल जाता है, ये सदगुरु देते हैं। तो ब्लॉक आए हैं जी पंजाब के रिन्यू होने के लिए, चोन के समय शासन 677 आशीर्वाद, चुने के भाइयों की गिनती 319 और बहनों की 248 यानी 567, और ये दीन दुखी मध्य बैंक में 1777 रुपए जमा करवाते हैं। और ये ब्लॉक है जिला बठिंडा का ब्लॉक पुच्चो मंडी। खड़े हो जाएं जी सेवादार, खड़े रहना जी, अजय खड़े रहना पुच्चो मंडी वाले भैणा ने भाइया ने। और अगला जो ब्लॉक है वो चोन समय गिनती 725, शाबाश, क्योंकि 700 क्या है 100 ज्यादा है। और दीन दुखी मत लई बैंक 1777 रुपए जमा करवाते आशीर्वाद, चुने गए भाइयों की गिनती 369 और भैणा की गिनती 322, 691 का सेवादार हैं, शाबाश। और ये जिला फरीदकोट का ब्लॉक है जैतो, सो खड़े हो जाओ। सो जो भी सेवादार चुने गए हों सत्संग जी, तुसी अपने ब्लाकां च आश्रम च जोर शोर से नाल सेवा करियो, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी जो बद चढ़ के तुहानू खुशियां बख्शे, दया मेर रहमत नाल माला माल करें, प्रसाद ले लियो, खुद भी लियो, परिवारों भी दियो, और जो सेवा कर दे धन उन्होंने मां बाप धन परिवार धन कुल हो जाती है जो सेवा करके वो निभाते। सो जोर शोर नाल सेवा करनी जो ड्यूटी लवाई है, सो जोर दी नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद जी, बैठ जाए जी। जिनके परिवार में किसी ने छोटा छोटा दो परिवार आए हैं, एक का नाम नहीं लिया था, छोटा बच्चा अगर वो मां के गर्भ में था तो मां ने अगर तब सुमरण किया या सत्संग सुनी तो कुछ ना कुछ असर उस पर लाजमी होगा। एक परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाता है आशीर्वाद, परिवार दोनों तरफ है, खड़े हो जाए। सरसा हरियाणा से और मगर साहिब पटियाला से, तो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया तब आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जीवन निज धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा की संभाल मालक जो तो जरूर करते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देते हैं मरहम जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आनु शाम दिद के थे मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सजरेगी, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के मुताबिक आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवा भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सच नहीं है बच्चे। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहने भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाई वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। अब जो आगे